હાલમાં સાળંગપુરમાં ભગવાન હનુમાનજીની વિરાટ મૂર્તિ નીચે વિવાદિત ભીંતચિત્ર દેશભરમાં સનાતન હિન્દુ ધર્મના લોકો અને સંતો મહંતોમાં આક્રોશનું કારણ બન્યું છે. દ્વારકાના શારદાપીઠના શંકરાચાર્ય સ્વામી શ્રી સદાનંદજી સરસ્વતીજીએ પણ આ વિવાદ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે. સંપ્રદાય કે સંબંધમાં આપને જો પ્રશ્ન ક્યા હૈ ઉસમેં હમ યહ સ્પષ્ટ કર દેના ચાહેતે હૈ સનાતન ધર્મ હૈ और हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं. हमारे देवी देवताओं की पूजा हजारों साल की परंपरा से हम करते आए हैं. हमारे पूर्वज जिसकी आराधना करते थे, सहजानंद जी महाराज और उनके पिताजी भी किसी न किसी की आराधना करते थे. वो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान के पूजक थे. नरनारायण भगवान की उन्होंने स्थापना की, बड़ताल में स्थापना की. वो खुद स्वयं आराधना करते थे. शिक्षा पत्री में उन्होंने स्वयं पंचदेवोपासना का उपदेश दिया है. फिर उनके बाद वाले लोग अलग अलग ब्रांच बना करके ये मनमाना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है. सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है, उनके लिए भी उचित नहीं है. कोई भी संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की निंदा करके अपनी उन्नति नहीं कर सकता. इसलिए धर्म यो बाधते धर्म नश धर्म को धर्म का. वह धर्म धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म की निंदा करे. वह संप्रदाय संप्रदाय नहीं है जो दूसरे संप्रदाय की निंदा करे. इसलिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं. और पूजा पद्धति का प्रकार अलग अलग हो सकता है. जिसकी जहां श्रद्धा है वहां वो पूजा करें, लेकिन दूसरे की निंदा, दूसरे के देवताओं का अपमान ये नहीं करना चाहिए. यही अपमान सिनेमा वाले करते हैं हमारे देवी देवताओं का. तो हम कहाँ कहाँ युद्ध करेंगे, किस किस से युद्ध करेंगे? ये तो हमारे अपने वाले हैं और हमारे देवताओं का अपमान करेंगे. तो अभी तक स्वामीनारायण महाराज के संबंध में, संप्रदाय के संबंध में कभी भी सनातन धर्मावलंबियों ने 200-300 साल से कभी विरोध नहीं किया. ये नई परंपरा क्यों डाल रहे हैं? हम लोगों को बोलना पड़े, ऐसा काम नहीं करना चाहिए. सचोट समाचारों सौथी झड़पी मेड़ववा माटे अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो.